नमस्कार, इंटरनेट न्यूज में आपका स्वागत है। नवनिर्वाचित प्रधान प्रभावती देवी पत्नी दीनानाथ दुबे बोले कि गांव का विकास ही लक्ष्य। बलिया दुवड़ ब्लॉक की ग्राम पंचायत पिपरा किशनपुर से नवनिर्वाचित प्रधान प्रभावती देवी पत्नी दीनानाथ दुबे हुए। आपको बता दें कि बहुमत से नवनिर्वाचित प्रधान प्रभावती देवी पत्नी दीनानाथ दुबे की जीत हुई और पिपरा किशनपुर गांव में जीत हासिल हुई है। नवनिर्वाचित प्रधान प्रभावती देवी पत्नी दीनानाथ दुबे ने बताया कि पिपरा किशनपुर का एक अलग पहचान होगी। गांव की जनता ने जिस विश्वास पर आशीर्वाद प्रदान किया है उस भरोसे पर खरा उतरेंगे। प्रभावती देवी नवनिर्वाचित प्रधान ने कहा कि गांव का विकास ही मेरा मुख्य लक्ष्य है। इसके लिए हर संभव कोशिश रहेगी। ईमानदारी के साथ सरकारी योजनाओं को पात्रों तक पहुंचाना मेरा मुख्य उद्देश्य है। दीनानाथ दुबे, किशनपुर जनाड़ी, ग्राम सभा पिपरा जी। प्रभावती देवी निर्वाचित हुई आपकी पत्नी जी। जी, हम जानना चाहते हैं आपके गांव के लोगों ने आपको पर विश्वास किया है, तो क्या आप उनकी विश्वास रखा तो मैं काम करेंगे आप लोग? जी बिल्कुल जी। गांव की जनता ने आपको इस विश्वास पर बैठाया ताकि उनके लिए बिना भेदभाव का आप काम करें? जी बिल्कुल, बिना भेदभाव का काम होगा। उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल है आपके यहाँ जी, बिल्कुल कहना चाहेंगे, क्यों नहीं कहना चाहेंगे। जब हमारी पत्नी जब प्रधान पद के लिए पूरी जनता जो है निर्वाचित की है तो एक समाज में बहुत बढ़िया अच्छा हमको कार्य करना है और दिखाना है। बोलिए जी, क्या कर रहे थे अभी? अभी तो मैं कह रहा हूँ कि मैं जो भी कहना हो कि गांव की जनता ने जो भी हमारे लिए चुनाव हमारी पत्नी के लिए जो दिया है उसके लिए कहना हो कि आभार उन लोगों को प्रकट मैं करता हूँ पूरी जनता को। अच्छा, मतलब उनके लिए आप ऐसा काम करेंगे तो आगे भी आप इस तरह बने रहें? हाँ बने रहें, ऐसे ही बने रहेंगे। रामचंद्र दुबे, किशनपुर जनाड़ी बलिया। जो आपके यहाँ प्रधान निर्वाचित हुए क्या नाम है? प्रभावती देवी। हम जानना चाहते हैं जिस उम्मीद से पद पर चयनित हुई है क्या अब अपने विश्वास से बखाओ तो नहीं काम करेंगे? एकदम 100% जी। क्या आपको कोई मोटिव उन्होंने बताया हम जीतने के बाद ये काम करेंगे? बताना क्या है, तो करवे करेंगे जी। कुछ आपके द्वारा कुछ उनके लिए संदेश है गांव के लिए? नहीं, अभी तक तो नहीं है कि मैंने ये खराब है अच्छा कुछ नहीं है, सब लोग को 100% ये है कि मतलब ये काम कराएगी। मैं आनंद प्रकाश दुबे, किशनपुर ग्राम का निवासी हूँ जी। आपके गांव में नव निर्वाचित प्रधान चुने गए हैं तो क्या आपको उम्मीद है वह अच्छा काम क्षेत्र में होगा? बिल्कुल उम्मीद है और हम लोगों की कोशिश रहेगी कि जितने भी सरकारी योजनाएँ हैं उसको पूर्ण रूप से जो भी उसके लिए लाभान्वित लोग हैं उचित है जो एलिजिबल लोग हैं उन तक पहुंचाने का ईमानदारी के साथ पूरी पारदर्शिता के साथ कोशिश होगी कि सारी योजनाओं का लाभ उनको दिया जाए जी। तो आपके कहने का तात्पर्य है लोगों ने जिस उम्मीद से उनको चुना है उन उम्मीदों पर खरा उतरने का? बिल्कुल बिल्कुल, पूरा तरीके से खरा उतरने का प्रयास करेंगे और पूरी पारदर्शिता के साथ खरा उतरने का प्रयास करेंगे, पूरी मेहनत के साथ काम करेंगे जी। गांव की जनता के लिए आपके द्वारा कुछ संदेश है? बिल्कुल, गांव की जनता को काफ़ी धन्यवाद, हम लोग दिल से धन्यवाद आभार प्रकट करते हैं और गांव की जनता का भी सहयोग इसमें जरूरी है। जैसे कि सड़कें निकालना हुआ, नालियाँ निकालना हुआ तो जगह जगह थोड़ा थोड़ा कुछ न कुछ व्यवधान उत्पन्न होता है, तो गाँव की जनता से निवेदन करना चाहेंगे कि उसमें जो भी कार्य करना चाहते हैं तो वो समाज के हित में, कोई व्यक्तिगत हित के साथ उसको न देखे, समाज के हित में गांव के हित में थोड़ा थोड़ा उसमें सहयोग करे ताकि कोई भी काम हो निर्बाध रूप से उसको धरातल पर उतारा जा सके। हमारा नाम प्रमिल कुमार दुबे, ग्राम किशनपुर, हमारा ग्राम सभा पिपरा है, दो गांव मिलकर के ग्राम सभा है और जो प्रधान हैं प्रभावती देवी हमारी बड़ी भाभी हैं, हम एक ही परिवार के सदस्य हैं जी। जिस उम्मीद से जिस इसने प्यार से गांव की जनता ने आप लोगों को अपना बहुमत दिए हैं
क्या ये विश्वास जताएगा जनता आपने जितने जीते हैं तो उनके लिए कुछ ना कुछ आपके द्वारा किया जाएगा? देखिए, हमारा एक ही लक्ष्य है कि हम एक आदर्श स्थापित करें समाज में, क्योंकि आज तक प्रधानी में एक परंपरा चली आई है कि प्रधान मनमानी करते हैं, जनता से पूछते हैं, जनता से के दुख दर्द को नहीं जानते हैं, जनता से कोई मीटिंग नहीं करते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो अपने चहेतरों के लिए काम करते हैं, जनता त्राह त्राह करती है। हमें पूरे समाज में एक आदर्श स्थापित करना है कि प्रधान का मतलब क्या होता है, जनता समझे कि प्रधान जो है सबके लिए होता है, सबका विकास करता है, प्रधान का उद्देश्य गांव का विकास होता है, गांव को लूट करके धनी बनना नहीं होता है। आज तक तो यही देखते लोग आए हैं, एक ही प्रधान 20 वर्षों से थे और गांव को निचोड़ करके तबाह कर दिए हैं, लेकिन हमें समाज में एक आदर्श स्थापित करना है कि प्रभावती देवी एक ऐसी प्रधान है जो अपने लाभ के लिए नहीं बल्कि जनता के हितों के लिए उन्होंने चुनाव लड़ा है और जनता के हित के लिए ही उनका जीवन है समर्पित। हमें यह आदर्श स्थापित करना है। मैं चंदकांत दुबे, ग्राम किशनीपुर, पोस्ट जनाड़ी, जिला बलिया है। जो प्रधान निर्वाचित हुए आपने कुछ लगेंगे? जी, हमारी वो बहु लगेंगी। जी, जानना चाहते हैं गांव की जनता में उनको मंच पर पहुंचाया, गांव की जनता के लोग कुछ आप बताना चाहेंगे? बताना यही है कि गांव की जनता पिछले 15 वर्षों से त्रस्त हो गई थी, जो पिछला प्रधान था उससे तो उसके आतंक से इतना वो भयभीत हो गई थी कि उसके प्रति कोई वो क्या कहते हैं मतलब कोई ऐसा वो नहीं मिल रहा था प्रत्याशी कोई दमदार कि उसको कोई हरा सके, चाहे मतलब उसका कोई वो नहीं कहते उसका मुकाबला कर सके, वो नहीं कर सके, नहीं मिला था। इस बार हम लोगों ने ऐसे दमदारी से किया, जनता को विश्वास हुआ कि यही एक ऐसा है लड़का है, मतलब यही प्रभावती देवी है कि जो उसको ये शिकस्त कर सकती हैं। इसलिए गांव की जब जनता ने हमको इतना स्नेह और प्यार दिया है और भारी मतों से विजयी बनाया है, तो मेरा तो यही है मोटो है कि मतलब एक साथ मिल के एक मंच बना के बैठ के जो जिसका जो होगा, जो जिस लायक होगा, जिसका जो वो होगा, प्रयास करेंगे वो काम हम भलीभूत मतलब पटल पर उतारें। जी, और उनके लिए कुछ आपको बहुमत दिए थे, उनके लिए कुछ कहना चाहते हैं? किसके मतलब? जनता के लिए। तो जनता के लिए कहना कि जनता जिस तरह की जनता आए, जनता को हम एक मंच बनाएंगे, मंच मतलब कि मतलब वो नहीं मतलब मीटिंग करेंगे, हम प्रयास रहेगा हफ्ते में एक बार हो मीटिंग, किसकी मतलब सब जनता लोग बैठे रहेंगे लोग किसकी मतलब क्या ये कहने का तात्पर्य है जनता के अनुसार हर काम होगा। हाँ, जनता के अनुसार जो जिस लायक होगा मतलब। हाँ, मेरा मोटो है कि आज तक न रास्ता बना न नाली बनी, हर बरसात में पानी लग जाते हैं, चूँकि हम लोग गांव ऊंचा है, अगल बगल तो किसी खेत हो तो चला जाता है पानी, लेकिन हम लोग का मोटो है कि सबका साथ सबका विकास हो, लाइट की व्यवस्था, हाँ हाँ लाइट हो, रास्ता हो, और गरीब जिसके पास मकान हो मकान हो, हाँ राशन के जिसके पास बहुत से ऐसे भी हैं कि उन्होंने अपने चेतों ही किए हैं कि राशन कार्ड की जैसे हम कोनो पति हैं, हाँ ये कंगाल पति हैं तो इनका नहीं है हमारा है, बस है ना जी। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं प्रधान बनने के बाद ये देखा जाता है वो ये देखते हैं हमको कौन वोट दिया कौन नहीं दिया कौन विपक्ष के साथ। नहीं नहीं, देखिए तो देखिए वो उस समय तक होता है जिस दिन जब आप भी थे वहाँ पे, उस दिन तक होता है जब ना काउंटिंग होता है ना ये मेरा है ये तेरा है होता है, आज एक प्रधान बन गया अच्छा है वो तो लॉन्ग लाइफ हमको करना है, आज जनता के साथ रहना है, जनता का मतलब वो करना है, तो हमारे लिए सब सामान्य है, सब बराबर है जी, इसलिए कोई भेदभाव नहीं, भेदभाव नहीं है। वो खुद आप जैसे है कि आप वो समझेंगे, आप हमको वोट नहीं देंगे चाहेंगे तो आपका खुद आपका वो मन वो करेगा, हमारा इतना रहेगा स्नेह प्यार रहेगा कि उसको आपको भी बदल देंगे हम। संतोष कुमार दुबे, ग्राम किशनीपुर पोस्ट जनाड़ी, प्रबंधक विनय शिक्षण संस्थान। जी, क्या आपकी माता जी प्रधान नॉन निर्वाचित हुई हैं क्या? हाँ, मेरी चाची जी हुई हैं नॉन निर्वाचित हुई हैं प्रधान। हम आपसे जानना चाहते हैं कितनी वोटों की जीत हुई थी? हम लोग की जीत जो है 188 वोटों से हुई है जी। पहली बार प्रधान? पहली बार प्रधान है। हम जानना चाहते हैं गांव के लोगों ने आपको इतने प्यार उम्मीद जताया है तो क्या उसका कोई मोटो है किस तरह काम होगा गांव में? मेरा मोटो सिर्फ यही है कि सबका हो, सब हो सबका हो, सबका साथ। मोटो यही है हम लोगों का, सब हो सबका हो, किसी के साथ जो दिया है वो
चाहे जो नहीं दिया हो, वोट देते वक्त थोड़ी नेगेटिविटी भी होती है, लेकिन ये नहीं, सबका हो, सबके लिए एक ही भाव हो, सब समान तरीके से। आपके कहने का तात्पर्य ये है तो जो हमको वोट दिया उसके लिए भी, जो ना दिया सबके लिए, हम एक समान बराबर, एक समान बराबर काम करेंगे सबके लिए, कोई एक पारदर्शिता रहनी चाहिए, रहेगी हमारे यहाँ एकदम। जी जी, आपको गांव की जनता आपको इतने प्यार दी तो क्या उनके लिए दूसरा कुछ कहेंगे? गांव की जनता का हम लोगों को पूर्ण जो है समर्थन मिला है। गांव की जनता प्रधानी में हम लोगों के अगेंस्ट में कोई प्रत्याशी भी नहीं था इस गांव से। हमारा ग्राम सभा जो है दो गांव को मिलकर बना है, एक पिपरा और किशनीपुर। किशनीपुर से हमारी चाची जी अकेले प्रत्याशी थी, कोई उनके अगेंस्ट में खड़ा भी नहीं था। यहाँ से उस गांव से प्रत्याशी चार चार लोग थे और गांव की जनता एकदम फुली सपोर्ट कर रही थी हम लोगों को, पूरा जो है पूर्ण रूप से हम लोग का समर्थन मिला है, कहीं से भी कोई गड़बड़ी नहीं है, पूरा हम लोग को वोट भी मिला है यहाँ से, तभी हम लोग के विजय हुआ है। सब लोग का साथ है हम लोग के साथ, जो उनका अभाव व्यक्त करेंगे आप। हाँ, गांव की सारी जनता को यहाँ और पिपरा पूरा ग्राम सभा के सारी जनता को हम लोग की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद। और हमारा जो है परिवार या हम लोग, हमारे प्रधान जो है, इसके लिए हमेशा ऋणी रहेंगे ये लोग।